जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं महाराष्ट्र स्टेट के एक काफ़ी इम्पोर्टेंट और काफ़ी बड़े रेलवे स्टेशन के बारे में, जिसका नाम है दोस्तों गोंदिया जंक्शन। जी हां दोस्तों, गोंदिया जंक्शन के ऊपर दोस्तों आज हम लोग आपको विशेष जानकारी प्रदान करेंगे और दोस्तों इसके बारे में बताएंगे कि यहाँ पर देश से तमाम रेलवे रूट आकर के मिलते हैं और वो रेलवे रूट दोस्तों कहाँ कहाँ से यहाँ पर आकर के मिलते हैं और ये रेलवे स्टेशन दोस्तों कितना इम्पोर्टेंट है और कितना बड़ा रेलवे स्टेशन है इंडियन रेलवेज का। दोस्तों बने रहिए हमारे साथ और आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से, रेल है तो देश के एक और नए चैनल में। दोस्तों वीडियो में चलिए वीडियो को शुरू करते हैं बिना किसी विलंब के। दोस्तों सबसे पहले ये रहा गोंदिया जंक्शन। जैसा कि अभी आप लोगों को दिख रहा है यहाँ पर चार रेल मार्ग आकर के मिल रहे हैं। दोस्तों अब हम लोग बात करेंगे यहाँ पर ये रेलवे स्टेशन के छोटे से एक इंटरव्यू के बारे में। दोस्तों गोंदिया जंक्शन जिसका स्टेशन कोड है जी, इसको नागपुर डिवीजन हैंडल करता है जहाँ साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे इसको ऑपरेट करता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि गोंदिया जंक्शन कितने लाइंस पर स्थित है तो मैं आपको बता दूं, गोंदिया जंक्शन दोस्तों बिलासपुर नागपुर सेक्शन, हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन, जबलपुर नैनपुर बालाघाट गोंदिया अर्जुनी मार्गों नागवीर बालारसा रेल लाइन पर स्थित है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रेलवे स्टेशन है जो कि एक मेन लाइन पर भी स्थित है जिसका नाम है दोस्तों हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन। दोस्तों अब हम लोग बात करने वाले हैं यहाँ पर कि यहाँ पे कितने रेल रूट आकर के मिल रहे हैं। दोस्तों हम लोग सबसे पहले अभी हम लोग बात करने वाले हैं ये जो ऊपर रेल मार्ग गया है सिंगल इलेक्ट्रिफाइड रेल मार्ग, ये कहाँ गया है। दोस्तों ये वाला रेल मार्ग सीधा प्रताप बाग होकर के सीधा गया है नैनपुर जंक्शन। मैं आपको लेके चलता हूँ बालाघाट जंक्शन के रास्ते, आप लोग सीधा जा सकते हैं नैनपुर जंक्शन, इसके माध्यम से आप लोग दोस्तों सीधा जबलपुर जंक्शन जा सकते हैं। तो ये एक सिंगल इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट है इंडियन रेलवेज का। दोस्तों ये देखिए, ये रहा जबलपुर जंक्शन, यानी कि आप लोग दोस्तों काफ़ी महत्वपूर्ण रेल लाइन का उपयोग करके जबलपुर डिवीजन में जा सकते हैं गोंदिया जंक्शन के स्टेशन के माध्यम से। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया, ये ऊपर जो रेल मार्ग गया ये गया है सीधा, पहले जाता है बालाघाट जंक्शन, उसके ऊपर जाता है नैनपुर जंक्शन और उसके ऊपर जाता है जबलपुर जंक्शन। दोस्तों ये जो नीचे रेल मार्ग गया है ये कहाँ गया है। दोस्तों ये भी एक सिंगल इलेक्ट्रिफाइड रेल मार्ग है जो कि गया है नागवीर जंक्शन के रास्ते सीधा बालारसा को। दोस्तों मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये रहा नागवीर जंक्शन, यहाँ से आप लोग सीधे चंदापुर होकर के बालारसा जंक्शन जा सकते हैं। यानी कि चंद्रपुर के रास्ते सीधा बालारसा जाने का ये रास्ते आपके लिए खोल देता है जो कि नागवीर जंक्शन के रास्ते जाता है। से एक सिंगल इलेक्ट्रिफाइड रेलवे रूट है जो कि गोंदिया जंक्शन से ही निकलता है। दोस्तों ये तो मैंने आपको दो रूटों के बारे में बताया, अब मैं आपको बताता हूँ ये जो आपके लेफ्ट में जो रेल रूट जा रहा है दोस्तों ये गंजारी रेलवे स्टेशन के माध्यम से। दोस्तों ये जाता है सीधा आपका तुमसर रोड जंक्शन के रास्ते सीधा नागपुर जंक्शन। मैं आपको लेकर के चलता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये एक डबल इलेक्ट्रिफाइड और ऊपर से मेन लाइन है जहाँ पर गाड़ियों की अधिकतम रफ्तार काफ़ी ज़्यादा होती है जो कि हावड़ा नागपुर मुंबई मेन लाइन है, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम ट्रेन्स आपको मिल जाएंगी जो कि गोंदिया जंक्शन पे भी अपना स्टॉपेज लेती हैं। दोस्तों ये तो मैंने आपको बताया तीन रूट के ऊपर, अब लास्ट और आखिरी और चौथा रेलवे रूट है जो कि इस तरफ जाता है। दोस्तों ये वाला रेलवे रूट आपको सीधा ले जाएगा डूंगरगढ़, यानी कि दुर्ग जंक्शन के रास्ते आप इस रेलवे रूट के माध्यम से बिलासपुर जा सकते हैं, रायपुर जंक्शन जा सकते हैं और दोस्तों हावड़ा तक जा सकते हैं। यानी कि काफ़ी इम्पोर्टेंट रेल मार्ग है ये जो कि गोंदिया जंक्शन से ही निकलता है। तो दोस्तों गोंदिया जंक्शन का अब हम एक छोटा सा दोस्तों एक आपको वो देना चाहें कि कंक्लूजन, तो गोंदिया जंक्शन से आप लोग देश में कहीं भी जा सकते हैं। कहीं भी का कहने का मतलब है कि देश के अधिकतर महानगरों के लिए आप सीधी गाड़ियाँ पकड़ सकते हैं। काफ़ी बड़ा रेलवे स्टेशन है और काफ़ी ज़्यादा फैसिलिटीज़ आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगी। दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर से बताना और अगला रेलवे स्टेशन कौन सा हो दोस्तों ये भी हमको बताना। मिलते हैं एक और नए वीडियो में किसी और नई अपडेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद वंदे मातरम।